नमस्ते, वेलकम टू संगीता फैशन। आज हम बहुत खूबसूरत ये घाघरा ब्लाउज़ की डिज़ाइन देख रहे हैं। आज हम ये घाघरा ब्लाउज़ बनाएंगे इसकी दोनों डिज़ाइन के साथ। हाथ इसके ऊपर बहुत खूबसूरत लटकन्स मनी बिठाए हुए हैं। आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए और देख लीजिए ये दुल्हन का जो ब्लाउज़ है वो कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और ये पूरा ब्लाउज़ और जो मनी लेस वगैरह बिठाई हो किस टाइप की है। अब हम जो ब्लाउज़ है इसका मेजरमेंट लेते हैं, लेकिन ये ब्लाउज़ हाइट के लिए कम था तो ये जो पट्टी है मैंने अलग से निकाली हुई है। अब इस पट्टी को हम किस टाइप बिठाएंगे वो आप देख लेना। अब यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते हैं। 36 की इसकी चेस्ट है, इसका हाइट 14.5 है, आर्म होल 6 है और शोल्डर भी 6 है। अब पहले हम इसकी जो पिंस है वो निकालेंगे। पिंस निकालने के बाद नीचे के साइड अस्तर का कपड़ा और इसके ऊपर ये ब्लाउज़ का उल्टा फैब्रिक रखा हुआ है। अब हमें जो नीचे की पट्टी हमने निकाली हुई थी जो हमारी डिज़ाइन थी, तो उस डिज़ाइन को इसके ऊपर बिठा लेना है। तो इस डिज़ाइन को हम किस तरह से बिठाएंगे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। हमेशा ये हो जाता है कभी कभी कि किसी किसी को ये जो घाघरा का ब्लाउज़ है वो बड़ा ब्लाउज़ अच्छा नहीं लगता, वो जो हमारा नॉर्मल ब्लाउज़ है उस टाइप बनाना अच्छा लगता है। अब यहाँ से 3 इंच हमने शोल्डर पट्टी रखी हुई है और यहाँ से भी 3 इंच, तो हम ये अंदर का जो गले का आकार है वो निकाल रहे हैं। तो ये अंदर के गले का आकार इस तरह आप राउंड में भी निकाल सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से गोल राउंड में आपको ये गला बनाना दिखाया। यहाँ पे आप दो टाइप से ये गला बना सकते हैं, इस तरह से राउंड शेप में भी बना सकते हैं और इस तरह से थोड़ा सा अंदर की साइड से राउंड लेकर इस तरह से ये दो डिज़ाइन के साथ आप बना सकते हैं। देखिए ये बहुत खूबसूरत इस तरह से बनकर आ रहा है। ये अब मुझे ये बाहर के साइड का अच्छा लगा तो मैं उसको कट कर लूँगी और जो हमने ये डिज़ाइन पट्टी थी अब उसको इसके ऊपर बिठाना है। यहाँ पे क्या हुआ, दुल्हन की हाइट तो कम थी तो उनको घाघरा का ये नीचे की पट्टी की डिज़ाइन भी चाहिए थी, लेकिन वो डिज़ाइन क्या हो रहा था कि गला और वो डिज़ाइन मैच नहीं हो रही थी, डिज़ाइन नीचे जा रही थी जितनी दुल्हन की हाइट है। तो मैंने क्या किया, अभी ये पट्टी पहले निकाल ली और फिर उसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल दिया है। अब इस तरह से ये एक्स्ट्रा कपड़े को वो निकाल कर मैंने सिर्फ जो वो पट्टी थी ये वो पट्टी रखी हुई है। अब देखिए इस तरह से ये पट्टी रखी हुई है। अब पट्टी रखने के बाद यहाँ पे नीचे के साइड से वो पट्टी ये रख कर मैं उसको सिल लूँगी। लेकिन क्या होगा, अगर नीचे भी ब्लाउज़ का फैब्रिक हुआ, ऊपर भी ये पट्टी हुई और नीचे अस्तर भी हुआ तो ये बहुत मोटा हो जाएगा। और ये वेलवेट है, वेलवेट तो वैसे भी ये बड़ा होता है तो जब हम सिलते हैं इसको तो वो मशीन के नीचे बड़ा मोटा भाग जाता है तो वो हम इतनी आसानी से नहीं सिल सकते। और इसको आप जूम करके देख लेना, इसके ऊपर काफ़ी स्टोन है और स्टोन भी सुई के नीचे आ जाते हैं। तो उस टाइप में आप देखना ये किस तरह से बना रहे हो। मैंने पहले ये निशान लगा कर लिया हुआ है कि पट्टी कितनी लगानी है, तो ये निशान के साथ और फिर यहाँ से दुमड़ लेना है और ये देखना है कि पट्टी हमें कहाँ तक चाहिए, उसी हिसाब से ये लेना है। अब देखिए इस तरह से इसको लेना है, फिर इसके ऊपर टिप लगा लेनी है। अब यहाँ से हमें इसको पिन से पैक कर लेना है, जो पट्टी हमने नाप लिया था उस हिसाब से, और उसके ऊपर की साइड से टिप लगा लेनी है। तो ये टिप देखिए इस टाइप से ये टिप लगा लेनी है धीरे धीरे से। यहाँ पे स्टोन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर तो इसके ऊपर सुई चली जाती है, तो मैं हाथों के इस्तेमाल से हमारी पाई पट्टी को उठा रही हूँ और उसका पाई पट्टी को उठाकर ही इसके ऊपर टिप लगा रही हूँ, नहीं तो ये अगर स्टोन आ जाए तो वो हमारी सुई को प्रॉब्लम्स दे सकती है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें ये ऊपर की साइड से फिर से प्रेस टिप लगा लेनी है, तो ये प्रेस टिप की वजह से ये डिज़ाइन में ये नहीं दिखेगा कि यहाँ पे हमने ये जॉइंट किया हुआ है, इस वजह से ये प्रेस टिप लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमारे डिज़ाइन ऐसा लगता है कि ये डिज़ाइन के अंदर ही इतना ही ये नाप
के साथ नीचे की पट्टी आई हुई है उसी टाइप ये डिज़ाइन बन जाती है। तो हमें जब कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो इस तरह से उसको एडजस्ट करके ये हमें ये डिज़ाइन को एडजस्ट करना पड़ता है। अब इसके बाद ये मोटा कपड़ा ना बन जाए इसके लिए नीचे के साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कट करके लेना है और हमारा ये जो काम है अब ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसका ब्लाउज पूरी तरह से सिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने गले का आकार तो निकाला हुआ ही था, अब नीचे के साइड से इसके ऊपर टिप लगा लेनी है। तो नीचे के साइड से टिप लगाने के लिए इस तरह से पिंस को पहले पिंस से पैक कर रही हूँ और फिर इसके बाद आज हम गले के लिए जो आकार निकाला हुआ था गले का, अब हम उसको उसके ऊपर एक टिप लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से गले के ऊपर ये पहले हमने जो बाहर की साइड से गले का आकार लिया हुआ था मैं उसको टिप लगा रहा। तो ये बाहर के साइड से टिप लगाने के बाद आ देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें वेलवेट के ऊपर धीरे धीरे काम करना पड़ता है। वेलवेट जो है जब हम टिप लगाते हैं तो वो थोड़ा सा खींचता है तो वो सरकता नहीं है जल्दी से या फिर वो खींचता रहता है उस टाइप से हो जाता है। उस वजह से ये मुझे ये पिंस भी लगाया तो भी खींचता है। अब ये नीचे के साइड से भी मैंने टिप लगाई है। अब ये टिप लगाने के बाद इसको हम पलटी कर लेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं कि ये जो वो पूरे पिंस हमने निकाले थे लगाए थे उसको निकालना है और जो हमारे गले का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी निकालना है। तो गले का एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद छोटे छोटे कट्स देना है। तो देखिए इस टाइप से ये कट करना है फिर ये छोटे छोटे कट्स देना है ताकि हमने जो गले का आकार निकाला हुआ है वो अच्छी तरह से आ जाए। और फिर ये पिंस को सो पूरी पिंस को निकालना है और फिर उसके बाद इसको पलटी कर देना है। देखिए अब हमारा गला बहुत अच्छी तरीके से आ गया। अब देखिए कितना खूबसूरत है ये। अब ये इसके बाद हमें इसके ऊपर प्रेस टिप लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ से अंदर के साइड्स का कपड़ा निकाल लेना है और फिर इस तरह से ये प्रेस टिप लगा लेनी है। देखिए यहाँ पे भी इस टाइप से प्रेस टिप लगानी है। ये गले का जो स्टोन है उसको मैं बचाते हुए ये प्रेस टिप लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये स्टोन अगर आ जाए तो मशीन में भी प्रॉब्लम आ जाता है तो उस वजह से मैं स्टोन से और यहाँ पे आप स्टोन भी निकाल नहीं सकते तो गले की फिनिशिंग भी ख़राब हो जाती है। तो उस वजह से या फिर निकाल कर बाद में चिपकाना पड़ता है। तो यहाँ पे अब शादी का सीज़न हो तो इतना वक्त नहीं रहता है कि स्टोन निकालो फिर उसको चिपकाओ। तो उस वजह से मैं काम को ध्यान से उठाकर मशीन को इस तरह से करती हूँ। तो शादी के सीज़न में काम तो इतना होता है कि वो काम हम सिर्फ देने की जल्दी हो जाती है। उस वजह से देखिए हमारे जो नीचे के साइड हमने डिज़ाइन लगाई थी वो किसी एंगल से नहीं लगती, एक अलग है या अलग से लगाई हुई है। उस वजह से आप ये ट्रिक का इस्तेमाल करके इस तरह से अगर कोई ब्लाउज आपके पास आए तो उस इस तरह से ही आप उसको बनाना। अब इसके बाद हम ये बाहर की साइड से भी इस तरह से ये टिप लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं धीरे धीरे टिप इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वेलवेट का कपड़ा है तो वेलवेट का कपड़ा बहुत ही इधर उधर सरक जाता है। उस वजह से मैं टिप्स को धीरे धीरे, अब यहाँ पे नीचे के साइड से मैं टक्स लगा रही हूँ तो ये टक्स की जगह कुछ अलग अलग आई हुई है तो उस तक इस तरह से हम टक्स नहीं लगा सकते हैं। तो मैं शोल्डर के बीचों बीच हमेशा टक्स लगा लेती हूँ तो यहाँ पे भी मैं शोल्डर के बीचों बीच ही टक्स लगाऊंगी। देखिए हमारे टक्स का सेंटर भी इस तरह से शोल्डर के बीचों बीच ही आ रहा है तो उस वजह से मैं शोल्डर के बीचों बीच ही जो हम हर बार टक्स लगाते हैं उसी टाइप शोल्डर के बीचों बीच रख कर 3 या 4 इंच के ऊपर इस तरह से टक्स लगा रही हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी स्टोन आ रहे हैं तो मैं पूरी तरह से मशीन को धीरे धीरे घुमाकर ही यहाँ पे टक्स लगा रही हूँ। तो अब यहाँ पे नीचे के साइड से मैंने 2-3 बार
टिप को लगाकर इसको पैक कर दिया है। अब ये दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से ये टिप लगाएंगे। अब देखना यहाँ पे भी उसी टाइप हमें ये टिप्स लगा कर लेना है। यहाँ पे ये तो काफ़ी स्टोन आ रहे थे, उस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, फिर भी मैंने ये ऊपर की साइड से ही देखिए इस तरह से उसको पैक कर दिया है। अब इसके बाद ये टक्स बन जाने के बाद मैं अब देखिए ये हमारा ब्लाउज़ कुछ इस तरह से बहुत खूबसूरत बनकर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे बाजू डिज़ाइंस बनी हुई है, ये पूरा ब्लाउज़ इस टाइप से दुल्हन का बना हुआ है। ये प्रिंसेस ब्लाउज़ था घाघरे का, तो ये बहुत खूबसूरत है, और ये जो दुल्हन थी वो भी बहुत ही खूबसूरत थी ये, और इसका ये ब्लाउज है। अब यहाँ पे मैं मनी लेस बिठानी है नीचे के साइड से, यहाँ पे लटकन लेस बिठानी है, बाजू में भी लटकन लेस बिठानी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप से यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मैं गले के साइड से मनी लेस बिठा रही हूँ। ये जो वीडियो है मनी लेस किस टाइप से बिठाए, ये सा एक वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख लेना। 3-4 प्रकार से आप यहाँ पे मनी लेस बिठा सकते हैं, ये हाथों से भी, मशीन से भी, और ये अगर आपके पास ये मशीन हो तो आप इस टाइप से भी उसके ऊपर मनी लेस बिठा सकते हैं। आपने अगर वो वीडियो देख लिया किस टाइप से हम मनी लेस बिठा सकते हैं तो आप वो ज़रूर देख लेना। हाथों से हमारी जो सिलाई मशीन होती है उसके इस्तेमाल से भी हम ये मनी लेस बिठा सकते हैं। अगर हम पाई पट्टी के साथ बिठाएंगे तो वहाँ पे मनी टूट जाते हैं, हाथों से बिठाएंगे तो काफ़ी देर हो जाती है और इतनी परफेक्ट भी नहीं बैठती है। तो आपके पास अगर इस तरह की मशीन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही दिक्कत आती है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप से बहुत खूबसूरत ये मनी लेस इसके ऊपर बैठ जाती है। ये तो आपको जो चीज़ अच्छी लगे या फिर आपके पास जो सोर्स हो आप उस टाइप से ये मनी लेस बिठा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये मनी लेस मैंने किस टाइप से, ये देखिए इस टाइप बहुत खूबसूरत ये बैठ जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे हम ये जो लटकन है ये लटकन अभी घाघरा में काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, ये लटकन दुल्हन को भी काफ़ी पसंद आ रहे हैं। तो ये लटकन डिज़ाइंस नीचे की कमर की साइड पे, अब यहाँ पे बहुत सारा मोटा कपड़ा बन रहा था और उसके ऊपर और ये लटकन्स लगाने थे तो मुझे ये लगाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, फिर भी अगर काम हो कस्टमर का तो काम करना ही पड़ता है। देखिए इस टाइप से मैंने धीरे धीरे करके वो जो मोटा भाग था वहाँ से ये इस तरह से टिप लगाई हुई है। अब देखना ये जो टक्स लगाते हैं, अब यहाँ पे भी जो टक्स लगा रही हूँ तो उस पे भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी ये लटकन्स लगाने को। तो देखिए काम तो काम होता है, कस्टमर जो बोले वो तो करना पड़ता है, अगर मशीन से ना हुआ हो तो यहाँ पे हाथ से भी हमें लगाना पड़ते हैं। जो चीज़ कस्टमर को चाहिए वो हमें बनाकर ही देनी पड़ती है। तो अब मैंने यहाँ से ये लटकन्स पूरे कमर घेर को लगा दिए हैं, जहाँ पे पूरा कमर का एरिया पूरा आ जाएगा, और फिर उसके बाद बाजू की जो बाजू डिज़ाइन है वहाँ पे भी दुल्हन को ये लटकन्स चाहिए थे तो मैंने वहाँ पर भी ये लटकन्स लगाए हुए हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत दिख जाते हैं जब हम इस लटकन्स को कमर के साथ साथ बाजू में भी लगाते हैं, और ये जो वो जो दुल्हन का दुपट्टा होता है ना, तो दुपट्टे के ऊपर भी मैंने यही जो लटकन लेस है वो लगाई है। तो दुपट्टे के ऊपर भी, ब्लाउज के ऊपर भी, और बाजू के ऊपर भी, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जब तीनों कॉम्बिनेशन के साथ ये बन जाते हैं तो दुल्हन का लुक ही चेंज हो जाता है। तो जब दुल्हन का काम होता है मेकअप या फिर मेकअप का लुक, उसके बाद ब्लाउज़ का, फिर उसके घाघरा, उसके साड़ी, ये जो लुक होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत होती है इसकी। तो उस वजह से हमें ब्लाउज़ भी उस टाइप सिलना बहुत ज़रूरी होता है और मेकअप भी वैसा बहुत खूबसूरत है। अब देखिए इस तरह से ये पूरे लटकन्स मैंने सभी पे बिठाए हैं, यहाँ पे बाजू पे भी मैंने लटकन्स बिठाए हुए हैं,
अब देखना ये आगे के साइड से भी ये लटकन्स बिठाए हैं, तो ये पूरा ब्लाउज़ आपको कैसा लगा मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको ब्लाउज़ डिज़ाइन किस टाइप से अच्छी लगी या ना लगी वो भी बता देना। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना और लाइक तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।